आज एक तरफ जहां पाकिस्तान में सेना के नए अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा ने पदभार संभाला, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तेज हो गए। आज नगरोटा और सांबा सेक्टर में आतंकी हमले हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की सुबह आज गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ हुई। सुबह करीब 5:30 बजे आतंकियों ने सोलवी कोर मुख्यालय नगरोटा के पास सेना की 166 मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट पर ग्रेनेड से हमला किया और फिर सेना की यूनिट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 आतंकी सेना की वर्दी में कैंप में घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सेना की जवाबी कार्रवाई ने आतंकियों के हौसले पस्त कर दिए। कई घंटे तक चले इस मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि इस दौरान सेना के मेजर कुणाल और 2 जवान रघुविंदर और सिपाही तरसेम शहीद हो गए। माना जा रहा है कि अभी भी इस इलाके में कई आतंकी छिपे हैं, जिसके मद्देनजर नगरोटा के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वैसे आतंकियों ने न सिर्फ नगरोटा में बल्कि सांबा सेक्टर के चमलियाल पोस्ट को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने तारबंदी को काटकर बीएसएफ चौकी पर हमला किया, लेकिन बीएसएफ के सतर्क जवानों ने आतंकियों की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। दोनों के बीच करीब 4 घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में बीएसएफ के डीआईजी और करीब 5 जवान जख्मी हो गए हैं। वहीं एहतियात के तौर पर अब श्रीनगर हाईवे को बंद करा दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से डीबी लाइव के लिए सुरेश डुग्गर की रिपोर्ट। आज हुए दोनों हमलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी पूरे जम्मू में बड़े हमले की फिराक में थे। ऐसा पहली बार हुआ जब आतंकियों ने नगरोटा में कोर मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर पर किसी पोस्ट को निशाना बनाया हो। यहां कड़ी सुरक्षा के चलते आतंकियों ने कभी हमला नहीं किया, लेकिन आज आतंकियों ने जो दुस्साहस दिखाया वो चिंता का विषय है। देखते रहिए डीबी लाइव।